कोई भी कार्डबोर्ड, थोड़ी सी वॉल पुट्टी और आपका अनमोल हुनर, इसी की सहायता से आप ये महंगा दिखने वाला क्राफ्ट बिल्कुल सस्ते में बना सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। दिल्ली, इंडिया से मैं हूं नरेंद्र और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्राफ्ट पॉकेट। दोस्तों, रेफरेंस के लिए सबसे पहले क्राफ्ट की रफ ड्राइंग यानी स्केच कर लें। यही ड्राइंग कार्डबोर्ड पे अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से करें। ड्राइंग के हिसाब से ऑब्जेक्ट्स को कट कर लें। कट करने के बाद इनका साइज बना 10 इंच, 11 इंच और 12 इंच, और ये जो छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं ये करीब 2-2 इंच के हैं। अब दोस्तों वॉल पुट्टी लेंगे। दोस्तों ये ब्रांड आप ध्यान से देखें, किसी भी हार्डवेयर स्टोर पे आसानी से 40 रुपये किलो मिल जाता है। इसी ब्रांड से बहुत ही बढ़िया डो बनता है। इसमें केवल पानी मिलाकर हम डो बनाते हैं और ये डो कम से कम 3 या 4 घंटे तक स्टेबल होता है। वॉल पुट्टी से डो बनाने का वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ अच्छी तरह देखकर समझकर सीख सकते हैं। इसी डो की सहायता से शीट बनाएं। शीट की जो थिकनेस है वो आप ये देख लें, ना मोटा ना पतला, और इसे हम पूरे ट्री के शेप पे जो हमने कट किया है उस पे चिपकाते चले जाएंगे। केवल पानी की सहायता से, जहाँ पे शीट ख़त्म हो रहा है वहाँ पे हम इसको केवल पानी से स्टिक करेंगे, और जैसे जैसे हम चिपकाएंगे वैसे वैसे हम केवल पानी के सहारे इसे स्मूथ करेंगे। पूरे ट्री को हम इसी शीट से कवर करेंगे। ट्री पूरा कवर हो गया है, सूख भी गया है, तो अब हम बाकी ऑब्जेक्ट्स को भी ठीक इसी तरीके से कवर करेंगे और उसे भी हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारे दूसरे ऑब्जेक्ट्स सूख रहे हैं तब तक हम हिरन पे यानी डियर पे भी इसी तरीके से पूरे शीट से कवर करेंगे और इन्हें भी हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। ये हमारा पहला लेयर होगा। इसे हम इसलिए सुखाते हैं, जैसे ये हार्ड होगा हम दूसरा लेयर इस पर आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि वॉल पुट्टी जो होता है वो रन करता है, तो ये सुखाना बहुत ज़रूरी है। स्मूथ करने के लिए केवल पानी का इस्तेमाल करें, कोई भी फेविकोल या ग्लू का इस्तेमाल ना करें। वॉल पुट्टी में ऑलरेडी स्टिकी एजेंट होता है, इसलिए सभी सतह पे ये आसानी से चिपक जाता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे पहला लेयर ख़त्म करें। दोस्तों अब ये सर्कल वाला जो डिज़ाइन है इसके ऊपर वॉल पुट्टी के शीट से कोट करें पहला कोट, और इसे हम पानी के सहारे स्मूथ कर लेंगे। कोई भी स्केल ले लें या फिर घर में पड़ा पुराना नाइफ भी ले सकते हैं। दोस्तों इसी के सहारे हम टेक्सचर बना लेंगे। आप अपने पसंद के हिसाब से भी टेक्सचर बना सकते हैं, मैंने इस तरीके से बनाया है। आप खुद भी कोई भी अच्छा सा टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों डियर का जो पहला लेयर है वो ड्राई हो गया है, तो अब हम डियर के ड्राइंग के हिसाब से उसके ड्राइंग को फॉलो करते हुए सेकेंड लेयर करेंगे और उसकी जो एनाटॉमी है उसके हिसाब से हम करते चले जाएंगे। छोटे क्राफ्ट के लिए वॉल पुट्टी सबसे बेस्ट है, सबसे बढ़िया है। अगर आप इससे बड़ा क्राफ्ट बनाना चाहते हैं सेम ड्राइंग का सेम कॉन्सेप्ट में, तो आपको MDF का बोर्ड लेना चाहिए या फिर प्लाई पे काम करना चाहिए, तभी आपकी मजबूती आ पाएगी। बड़े क्राफ्ट के लिए मार्बल पाउडर और फेविकोल का जो डो होता है वो सबसे बढ़िया होता है, उससे काफ़ी अच्छी मजबूती आती है। छोटे क्राफ्ट के लिए ये वॉल पुट्टी का डो सबसे बेस्ट है, खासकर सीखने के लिए। एक बार आप वॉल पुट्टी से काम करना सीख जाएं, फिर आप चाहे किसी भी मीडियम में करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप तो सीख चुके हैं तो आराम से किसी भी मीडियम में काम कर लेंगे। दोस्तों वॉल पुट्टी के डो से छोटे बड़े तरह तरह के साइज़ के इस तरह के गोल पेड़े टाइप के बना लें, और आपके घर में जो ख़राब पेन है, बेकार जो पेन है, उसकी सहायता से इसमें टेक्सचर बना लें। तो ये बिल्कुल अंदर की तरफ से बिल्कुल गोल सा टेक्सचर बनेगा और इन्हें हम बना बना कर रख लेंगे, ढेर सारे बना कर रख लेंगे, एक तरफ सूखने देंगे। दोस्तों ट्री का जो लेयर है वो सूख गया है, ड्राई हो गया है, तो अब आप सेकेंड लेयर इस पर वॉल पुट्टी से कर लें और पानी से इसे स्मूथ कर लें, थोड़ा थिक रखें। दोस्तों इस गीले लेयर के ऊपर एक कॉटन कपड़ा यानी बिल्कुल सूती
पतला सा जो होता है कपड़ा वो बिछा लें, कवर करें। और आपके पास नेल कटर हो या फिर पुराना चाकू हो या फिर कोई स्कल्पचर्स का टूल हो, इनमें से कोई भी एक चीज़ हो, तो इनका इस्तेमाल करके आपको एक रिदम में लाइंस चलानी है। हल्के से प्रेशर देके इस तरीके से आप लाइंस चलाएं और एक लाइन के बराबर में दूसरा लाइन चलाएं, जैसे ट्री में टेक्सचर होता है वैसे करें, कोशिश करें। पूरे ट्री के जो ब्रांचेज हैं उसे बनाने में यही तरीका अपनाएं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये एक्ट करते समय डो का गीला होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका टेक्सचर बन पाएगा। इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। दोस्तों, अब जो बाकी बचे ऑब्जेक्ट है, ये जो चट्टान है, रॉक है, वॉल पुट्टी के डो से छोटे छोटे स्टोन्स जैसे आकृति बनाएं, कुछ छोटे बनाएं, कुछ बड़े बनाएं, और केवल पानी की सहायता से। अगर आपको लगे कि पानी से नहीं चिपक रहा तो वॉल पुट्टी का गाढ़ा पेस्ट बना लें और उसकी सहायता से पूरे शेप को कवर करें। इसे हम अच्छी तरह से सूखने देंगे। सूखने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। दोस्तों, हमारा जो डियर है वो ड्राई हो गया है, तो इसका जो कान है डियर का, वो छोटा सा कान बना ले इस तरीके से और डियर पे चिपका ले। दोनों डियर पे इसी तरीके से कान बनाकर चिपका ले, और जैसे ऊपर में सींग होता है छोटा सा, वो भी पहले से बनाकर सुखा ले और सींग को भी इसी तरीके से चिपका ले। ये जो आप चिपकाएंगे वॉल पुट्टी के गाढ़े पेस्ट से चिपकाएंगे और चिपकाकर सूखने दें, इसे ड्राई होने दें, तभी ये अच्छे से चिपक पाएगा। हमारा जो क्राफ्ट है वो लगभग ड्राई हो गया है, तो एक बार कंपोजिशन बनाकर देख लेते हैं, यानी रख कर देख लेते हैं और हल्का सा पेंसिल का निशान बना लेंगे। दोस्तों, ट्री के पीछे वॉल पुट्टी का गाढ़ा पेस्ट लगाएं, अच्छी मात्रा में लगाएं, और जहाँ पे आपने कंपोजिशन सोचा था और पेंसिल का निशान लगाया था ठीक वहीं पे बिल्कुल सेंटर में इसे पेस्ट करें, यानी चिपकाएं। हल्के हाथों से दबाव दें तो ये चिपक जाएगा, और इसे 2-3 घंटे के लिए बिल्कुल ड्राई होने दें, सूखने दें। क्राफ्ट के बाकी ऑब्जेक्ट्स को चिपकाने में यही तरीका इस्तेमाल करें। जो गोल वाली पत्तियां बनाई थी आपने, उनको भी कंपोजिशन के हिसाब से रख के एक बार देख लें, फिर वॉल पुट्टी के गाढ़े पेस्ट से इन्हें भी चिपकाएं और इन्हें भी अच्छी तरह सूखने दें। जो दोनों डियर बचते हैं उन्हें भी आप ठीक यही तरीका अपनाएं, और गाढ़े पेस्ट से थोड़ा गाढ़ा पेस्ट रखें तो ये आसानी से चिपक जाएंगे, और इन्हें चिपकाकर कम से कम 3-4 घंटे के लिए सूखने दें। क्राफ्ट हमारा अच्छी तरीके से सूख गया है, ड्राई हो गया है, तो कलर करने की तैयारी। हमेशा वॉल पुट्टी के क्राफ्ट में एक्रेलिक कलर का यूज़ करें। आप खुद के पसंद का कलर कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा एंटिक लुक दिया है, आप चाहें तो नेचुरल लुक दे सकते हैं। एक्रेलिक कलर करते समय एक या दो बूंद पानी का भी इस्तेमाल करें, इससे जो कलर की जो शाइनिंग है वो अच्छी आती है। एक कोट को सूखने दें, फिर दोबारा कोट करें। अगर दूसरे कोट में भी नहीं आ रहा तो तीसरा कोट भी कर सकते हैं, इससे बहुत अच्छी शाइनिंग आ जाएगी। दोस्तों, क्लासेस द्वारका सेक्टर 7 नई दिल्ली के पास अवेलेबल है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने पहले वॉल पुट्टी से काम नहीं किया है तो आप ये पेंगुइन क्राफ्ट सीख सकते हैं, ये बेसिक है, ये क्लास ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो दोस्तों, मून नाइट जंगल क्राफ्ट तैयार है। इसे आप एज ए क्रिसमस सजावट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, घर में इसे कहीं लगाएं। ये एवरग्रीन क्राफ्ट आपके घर के इंटीरियर को और अधिक इन्हेंस करेगा। किसी को क्या पता कि ये पुराने कार्डबोर्ड और थोड़े से वॉल पुट्टी से बना है, उन्हें तो बस ये पता करना है कि आपने इसे कहाँ से ख़रीदा है। पर ये तो आपके हाथों का मैजिक है जो उन्हें दुकान पे कहीं नहीं मिल सकता। कभी कभी थोड़ा सा टाइम निकाले क्राफ्ट करने के लिए, सबसे छुपकर अकेले बालकनी में बैठ के बनाया करें, इससे शांति मिलेगी, मन को सुकून मिलेगा, और जब आपकी तारीफ होगी तो सारे गिले शिकवे आप भूल जाएंगे, यही तो आर्ट एंड क्राफ्ट का कमाल है। दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे ढेरों सारे क्राफ्ट मेरे चैनल पे हैं जो लो बजट के हैं और आपके बिल्कुल
जेब खर्च को बचाने वाले। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे क्राफ्ट पॉकेट के नाम से फॉलो कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। बिल्कुल बजट वाले क्राफ्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में एक बेल आइकन है, उसे भी दबा दें ताकि मेरा नया वीडियो आप सबसे पहले देख सके। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे मेरा चैनल क्राफ्ट पॉकेट।